ਓ ਠੀਕ ਨੀ ਸਾਲਾ ਚਰਚਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੂ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋ ਗਈ ਲੀਕ ਨੀ। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं एक और इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है गाइस, जिसको आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है। एक बार और दिखा देता हूं गाइस, यहां पर देख सकते हो ये एक लड़की वाला जो रील है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें मिलियन मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं गाइस। अगर आप भी बनाते हो तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है गाइस। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इस वीडियो को कैसे बनाना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, इस रील को बनाने के लिए यहाँ पर आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है स्नैपचैट और एक है वीएन ऐप। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से स्नैपचैट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। आपका मोबाइल फोन का डाटा ऑन होना चाहिए गाइस। तो स्नैपचैट एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरा कैमरा ऑन हो चुका है, तो इस तरीके से आपका भी ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, नीचे देख सकते हो एक सर्च वाला आइकॉन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारा फिल्टर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉप लेंसेज में ही मिल जाएगा आपको ये लड़की वाला जो फिल्टर है, ये मिल जाएगा आपको गाइस। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिले तो आपको करना क्या है, ऊपर सर्च वाले आइकॉन में चले जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है बंसी, इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पर तीन फिल्टर शो हो जाएंगे, आपको कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट फर्स्ट वाले को आप यहाँ पर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, हमारा जो कैमरा है यहाँ पर ऑन हो चुका है, ये फिल्टर यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि फोटो क्लिक करना है। आप कोई भी पोज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर फोटो क्लिक हो चुका है गाइस, ठीक है। मैं एक बार और क्लिक करके दिखाता हूँ आप लोग को। आपको इस तरीके से अपना जो फिल्टर है इसको इस तरीके से रखना है और फोटो क्लिक करना है। देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो यहाँ पर क्लिक हो चुका है। अब आपको करना क्या है, नीचे सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। यहाँ से सेव पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिक आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, पूरा बैक कर देना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको वीएन एप्लीकेशन को सिंपली ओपन कर लेना है। इसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अब आपको नीचे प्लस वाला आइकॉन दिख रहा होगा, आपको इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। देख सकते हो नीले रंग के डब्बे में है, इसमें क्लिक करना। अब आपको करना क्या है, यहाँ से फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। वीडियो फोटो वाला ऑप्शन है तो आपको फोटो वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको अपना फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, जिसको हमने यहाँ पर क्लिक किया था। अब यहाँ पर नीचे एरो पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारा फोटो यहाँ पर आ जाएगा। देख सकते हो गाइज, ये हमारा फोटो थोड़ा क्वालिटी में नहीं है गाइज। अगर आप चाहो तो इसको रेमिनी यूज़ कर सकते हो, रेमिनी एप्लीकेशन जिसमें हम फोटो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, लास्ट में एक वाटरमार्क रहता है ब्लैक बैकग्राउंड वाला, ये देख सकते हो, इसको आपको डिलीट कर देना है। इसमें क्लिक करना, डिलीट कर देना। अब आपको करना क्या है, इस फोटो पर क्लिक करना नीचे से और इसका ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना है, 7-8 सेकंड रख लेना, ठीक है, इतना कर लेना है। अब यहाँ पर अपना म्यूज़िक को ऐड कर लेते हैं। म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, म्यूज़िक में चले जाएंगे और यहाँ पर माई म्यूज़िक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो है इसमें क्लिक कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको एक वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दें, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूँ, ठीक है। इसका हमें साउंड चाहिए तो साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ से सेव पे क्लिक करना नीचे, सेव पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मांगेगा, तो आपको न्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको न्यू वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इस वाले साउंड को यूज़ कर लेना है। और यहाँ पर आपको म्यूज़िक बीट्स में चले जाना है, नीचे देख सकते हो बीट्स मार्क वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लेना। और यहाँ पर आपको दो बीट मार्क कर लेने हैं, पहला है 3.16 सेकंड पे देख सकते हो और सेकंड वाला बीट मार्क है 4.28 सेकंड। बीट मार्क कैसे करना है, नीचे देख सकते हो फ्लैग वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करोगे तो बीट मार्क हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से बीट मार्क कर लिया है। अब डन पे क्लिक कर देंगे, नीचे राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे और एक और बार राइट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर म्यूज़िक भी ऐड हो जाएगा। देख सकते हो गाइस ऐड हो चुका है, आपके फोटो के ड्यूरेशन को हल्का बढ़ा लेना जहाँ तक हमारा म्यूज़िक है। अब गाइस हमने बीट मार्क किया था, उसको क्या करना है, फर्स्ट वाले बीट मार्क में क्लिक कर लेंगे और नीचे से कैंची वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, सेकेंड वाले बीट मार्क में क्लिक करेंगे, नीचे से कैंची वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेंगे, हमारा फोटो तीन भाग में बढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि सेकेंड वाले फोटो में, मतलब इस वाले भाग में हमें इफेक्ट यूज़ करना है। तो एफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर जो व्हाइट वाला इफेक्ट है या ब्लैक वाला, इनमें से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक वाला कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डन पे क्लिक कर लेना है और इस वाले फोटो में यहाँ पर आना है आपको 5 सेकेंड या 4 सेकेंड, ये देख सकते हो यहाँ इस सीधे में आना है और एफएक्स में जाना, नीचे स्लाइड करके इसको रख लेना है जिटर डाउन, ठीक है, फिर डन पे क्लिक कर लेना। तो इतना कर लेने के बाद हमारा वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है गाइस। अगर आप चाहो तो और भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो
तो देख सकते हो गाइस हमारा वीडियो एकदम अमेजिंग तरीके से बन चुका है। अब इसको आप रील में अपलोड करोगे तो आपका रील वायरल जरूर होगा। अब आपको सेव करना है तो सेव करने के ऊपर एरो पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से राइट वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो आई होप गाइस वाला वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह वायरल ट्यूटोरियल डालता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।